खबर होशियारपुर आदमवाल रोड ते पेंदे कुष्ट आश्रम नज़दीक तो है जिथे कि एक मकान मालक वालों पैसों के लैन देन लैके ठेकेदार ते गोली चलाउण दा मामला सामने आया है। कनीमत रही कि इस घटना च किसी भी तरह का कोई जानी माली नुकसान होने तो बचा हो गया। उक्त घटना की सूचना मिलते सारे थाना सदर के पुलिस अधिकारी और DSP पलविंदर सिंह ने मौके पर पहुँच के स्थिति का जायजा लिया, मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी दिंदिया पीड़ित संदीप संधु और बब्बू ने दस्या कि उस वालों अमित कुमार नां दे व्यक्ति का घर बनाउण दा ठेका लिया सी, जो कि 33 लाख रुपए विच तय होया सी, ते जिस विचों 25 लाख रुपए उसनू अदा कर दिते गए सन, ते बाकी रहिंदी रकम नू लै के उस वालों टालमटोल की जा रही सी। उसने दस्या कि जदों ओह आया तां मकान मालक वालों पहला तां उस दे थप्पड़ मारे गए, ते बाद विच उस दे पुत्र वालों पिस्तौल दे आ के फायरिंग करनी शुरू कर दिती, जिस विच उस वालों मसा ही बचा किया गया। भाई जी इस तरह से जी, मैं एक मालिक की कोठी बनाई थी अमित कुमार की, वो 33 लाख का मेरा कॉन्ट्रैक्ट से जी, तो 25 लाख रुपया मैनू आया पाया है जी, तो जेद कि उन्होंने मेरी कल गल हुई थी कि मैं तुम्हें पेमेंट अज तो 2-3 दिन बाद दूंगा, तो 2-3 दिन बाद ही मूर्त करूँगा। तो मैं जो पता लगा कि अपना कोठी के मूर्त कर रहे हैं तो समान रख रहे हैं, तो मैं आन के उन्होंने पंडित जी ने आन के रोकया कि भाई जी जब तक मेरे पैसे नहीं तुम मैंने देंगे तो भाई मूर्त ना करियो। बस इन्नी गल तो उन्होंने मैंने आन के गले तो फड़िया, तो मेरे चपेड़ मारी ए अपने बेटे ने कहा कि लिया कट के रिवॉल्वर गोली मारे, बेटे ने आते मेरे सीधी गोली चला दी। किन गोलियां चलिया भाजी? एक निकली मेरे एक मतलब कि निकल गई, एक बिचे रह गई। हाँ जी मैं सेफ हाँ भाजी, मेरे को गोली लगी। भी दोष लिया भाजी? मैं इट कोई नहीं, मैं जो इन्होंने मेरे पहले चपेड़ मारी है, फिर मैंने इट मारी है कि अपने बचाव वास्ते। फिर जो CCTV भाजी इन्हें लगे पे चेक कर सकते कि पहला किन्ने भी पुलिस प्रशासन पहुंच गया मौके? हाँ जी पुलिस प्रशासन ने मैं फोन किया जी, SHO साहब सदर आले पहुंच गए जी मौके पे। की मांग करते हो भाजी? मैं यही मांग करता कि जिस तरह की जो लाइसेंसी भी रखे पे है, मतलब ये थोड़ी है कि हर एक रिवॉल्वर काट के चला लो, कोई भी लाइसेंसी जबकि जिस बंदे का होनू अपनी सेफ्टी लिए चलाना चाहिए, जबकि ना कोई बिना गल मूँह ना चलती पी है तो अपने बेटे को कह दिया कि लिया कट के रिवॉल्वर चला दे, गलत गल है जी। घर के भाजी मेरे नाल एक सर, मेरे नाल एक मेरा नाल भरा रहा वे कोई तो नाल एक मेरा मिस्त्री से जी, असं 3 जने से जी। ये घर के फिलहाल कोई नहीं भाजी ओपन जी, जो गोलियां चलाइया थे 10-15 जने से जी, ये वर्कर से सारे, इन्हें सारे अपने वर्कर अपने अंदर बाहर बुला ले सके, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री या सुनियारे गोल्ड का काम कर रहे हैं जी। पुलिस की कह रही है अरेस्ट कर लिया मौके? हाँ जी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मौके से। कितने जने ने? 3 जने ने। कौन 3 जने? कौन-कौन? एक उहदा बेटा, एक उहदा दा भांजा, एक आप। उधर DSP पलविंदर सिंह का कहना है कि पुलिस वालों मामले की जांच शुरू कर दी गई है, तो जो भी दोषी पाया जाएगा उस खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि जी धूबी घाट तो आदमवाल सड़क जाती है, उत्ते किसी मकान नू लैके ते पैसे नू लैके जिहड़ा हैगा आ झगड़ा होया ते गोली चली है। असीं इत्थे आए हैगे आ, मैं ते SHO सदर आए हाँ, वेरीफाई करते पए हाँ। एक राउंड जिहड़ा हैगा फायर होया आ, ये जिहड़ा हैगा आ ओनर हैगा, उहने नवां मकान बनाया सीगा, ते उहदे विच जिहड़ा ठेकेदार सीगा संदीप, उहने जिहड़ा हैगा ठेका लिया सी मकान बनाउण दा, ते इहनां दे पैसिआं दा कोई लैण देण सीगा, पैसे कुछ अद्धे पिछे दित्ते सीगे, कुछ रहिंदे सीगे पैसे, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ CCTV ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ DVR ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, DVR ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ? ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।